न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। गोरखनाथ थाना क्षेत्र में बरगदवा के पास शिव आयरन वर्क्स के गोदाम और मकान में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की एक दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। डीएम एसएसपी सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे मौके पर, लिया जायजा। काफी मशक्कत से आग पर पाया काबू। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने किया व्यापक प्रबंध। यूपी में सिर्फ 2900 है एक्टिव केस, इलाज के लिए तैयार की जा रही है 1,00,000 बेड, नहीं होगी कोई दिक्कत। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में आए प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार करने के दिए निर्देश। कहा, जरूरत पड़ने पर श्रमिकों को उपलब्ध कराया जा सके रोजगार। जिले में शनिवार को मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज, संक्रमितों की संख्या हुई 79, एक्टिव केस 55, ठीक हुए 19, जबकि 5 ही पहले हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी ने की पुष्टि। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई मुख्यमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित समिति की बैठक। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। हॉस्पिटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ लोगों को समय से सही इलाज के लिए जिलाधिकारी ने 85 हॉस्पिटलों को दिया पीपीई किट और थर्मल स्कैनर। कहा, इलाज में नाक बरतने को ताही करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जयप्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं से दिखे संतुष्ट। कहा, आम जन को नहीं होगी कोई दिक्कत, होगा इलाज। विकास एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 31वीं पुण्यतिथि। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन एवं स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के द्वितीय पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह के सौजन्य से उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और गरीबों को किया गया भोजन वितरित। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने पर मौजा मानबेला एवं डुमरी नंबर 2 के 250 मीटर परिधि का क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन तथा 500 मीटर परिधि जोन को बफर जोन घोषित करते हुए किया गया सील। एसडीएम सदर ने कहा, उस क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शनिवार को 5700 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 5 श्रमिक की स्पेशल ट्रेनें। पूरा डिटेल नोट करने के बाद परिवहन निगम की बसों से उनके जिलों को किया गया रवाना। जिला प्रशासन द्वारा दुकानों के लिए बनाए गए रोस्टर का अनुपालन कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के कई क्षेत्रों की दुकानों का किया निरीक्षण। कहा, रोस्टर तोड़कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों की दुकानों को किया जाएगा सील। तिवारीपुर पुलिस ने कच्ची शराब बेचने वाले 2 अभियुक्तों को 20 लीटर कच्ची शराब और 1 मोटरसाइकिल के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और सदर सांसद रवि किशन ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा, कोरोना से जंग में स्वास्थ्य कर्मियों का है अहम योगदान।